नमस्कार। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक बहुत ही ज़रूरी विषय के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मंजीत कौर मैम और अनीश भनोट सर, जो कि रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक से हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं रोटरी डिनर इन द डार्क के बारे में। तो पहले तो समझिए कि रोटरी चीज़ क्या है। रोटरी एक वर्ल्ड वाइड संस्था है जो अच्छे काम करती है। बस तो 1.2 मिलियन मेंबर है वर्ल्ड वाइड और ये सोशल सर्विस करती है, अच्छे अच्छे काम करती है। नाउ डिनर डार्क क्या चीज़ है? होता क्या है कि चंडीगढ़ में स्पेशली, जहाँ से हम बोल रहे हैं अभी चंडीगढ़ से, यहाँ पर जो 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 लोग देख नहीं सकते हैं, जो विजुअली चैलेंज हैं, उनकी एजुकेशन स्कूल तक तो बिल्कुल फ्री होती है। सरकार के स्कूल है, 26 सेक्टर में बहुत बढ़िया स्कूल है, वो फ्री एजुकेशन देता है। लेकिन इनको प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये स्कूल के बाहर निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं। आप एक और चीज़ देखिए कि ज़्यादातर जो विजुअली चैलेंज होते हैं वो बड़े पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको सोचते हैं क्या करना है, तो पढ़ा के यू नो स्पेशली लड़की हैं, इनको पढ़ाना नहीं है, तो उनको पैसे की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये डिनर द लॉक इसके लिए है, इनको स्कॉलरशिप देने के लिए। उसमें कैसे करते हैं हम कि रोटरी एक चीज़ करती है डिनर द डार्क, एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में, उधर आप अपना नाक भी नहीं देख सकते, इतना अंधेरा होता है, आपको खाना परोसा जाता है, 4-course dinner, एंड जो सर्विस करते हैं वो टोटली विजुअली चैलेंज होते हैं और ये एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा होता है, क्योंकि आप तो अपना नाक भी नहीं देख सकते लेकिन वो फ्लोट अराउंड करते हैं, आपको सर्व करते हैं, स्टार्टर सर्व करते हैं, मेन कोर्स सर्व करते हैं, डेजर्ट सर्व करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है वो बड़े खुश होकर सर्व करते हैं, हंसी मजाक चलता है, गाने गुने चलते हैं, तो एक्सपीरियंस ये बड़ा तगड़ा है, बहुत बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो उनका मतलब ज़िंदगी बदल जाती है। ख़त्म होता है ना, जब डिनर ख़त्म होता है तो कई लोगों के आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ये जो आंखें जो हम अज्यूम करते हैं ये तो हमारी हैं, उनकी वैल्यू कभी समझे नहीं है, एक डिनर में जाके समझ आते हैं वैल्यू क्या है आंखों की। डिनर इन द डार्क में एक तो स्कॉलरशिप तो है ही है, पर जो मेन चीज़ हमने जो सीखा है और जो उन्होंने पार्टिसिपेट करा है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे मेरी लिपस्टिक मैचिंग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जिसके पास आंखें हैं उसके पास सब कुछ है, ये सीखा सबने बोला है। कि उसके बाद डिनर इन द डार्क अटेंड करने के बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि आप बोलते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास दो आंखें हैं, सब कुछ है, दुनिया जहान की चीज़ें मेरे पास हैं। तो ये जो डिनर डाक है पेड डिनर है, मतलब जो इसको अटेंड करता है दे हैव टू पे मनी, ओके, एंड इट्स नॉर्मली इन अ 5-star होटल। हाइजीन का बेसिकली इंटरेस्ट होता है कि बिल्कुल हाइजीन के काम हो। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है उसकी हम स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप किसको देते हैं? हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड इधर है उसका जो प्रिंसिपल है जारा साहब, वो इनका जूरी का चेयरमैन है। तो ये अपने इनके इंटरनेट साइट है, ये कंट्रोल यही करते हैं, जो देख सकते हैं वही कंट्रोल करते हैं, वो एप्लीकेशन मंगवाते हैं और एप्लीकेशन में वो सिलेक्ट करते हैं कि किसको जूरी सेलेक्ट करें स्कॉलरशिप देने के लिए। स्कॉलरशिप कैसे देते हैं हम? साल के 20,000 रुपये देते हैं पर स्टूडेंट। किसके लिए होती है? किताबें खरीदने के लिए, होटल हॉस्टल के मेस के लिए, वॉट एवर द वर्ड यूज इट फॉर, पर यह देते हैं उनको 2 इंस्टॉलमेंट में। रीज़न क्या है कि पहले हम देते हैं 10,000 रुपये, फिर 2 सेमेस्टर का रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया इनका, और उसके बाद में 2 सेमेस्टर का 10,000 रुपये और देते हैं, टोटली 20,000 रुपये मिलते हैं इनको। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमको हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी हो, क्योंकि 30% आर सो रिस्पॉन्सिबल कि मज़ा आता है बात करके मिलके इनको। इफ़ यू अटेंड डिनर इन द डार्क योर लॉन्ग डिजायर्स आर फुलफिल्ड। एक डिज़ायर ये थी कि हाथ से खाना खाओ जैसे मर्जी खाओ, सो पीपल फुलफिल देयर डिज़ायर बाई ईटिंग इन हैंड लिकिंग योर फिंगर्स विच एवरी वन अप्रिशिएटेड, एंड सेकेंड डिज़ायर इज सिंगिंग, एवरी वन डजेंट अप्रिशिएट योर सिंगिंग इफ़ यू आर अ नॉन सिंगर, सो यू कुड सिंग टू द लाउडेस्ट वॉल्यूम, बिकॉज तब क्या होता है कि अंताक्षरी शुरू हो जाती है, क्विज शुरू हो जाती है, सो इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, लर्निंग एंड एन्जॉयमेंट, एंड प्लस आप एक चैरिटी भी कर रहे हो, स्कॉलरशिप दे रहे हो। जी तो सर, ये डिनर इन द डार्क है, ये साल में कब कब होता है?
ये साल में डिनर डार्क साल में दो बार ही होता है. वंस इज देर आर टू डेज, वन इज लुई ब्रेल डे तो उसमें होता है और सेकंड होता है जनवरी में. इसकी बुकिंग शुरू हो जाती है एंड नॉर्मली यू फाइंड के बुकिंग बिल्कुल 50 ओनली 50 पीपल कैन ईट डिनर वन टाइम. रीजन क्यों? क्योंकि द विजुअली चैलेंज करना सो मोर देन देन. तो 50 लोगों का डिनर होती है और डिनर से पहले हम एक फिल्म दिखाते हैं उनको, डे इन द लाइफ ऑफ अ विजुअली चैलेंज पर्सन. देन वी गो फॉर डिनर. डिनर देने को घंटा डेढ़ घंटा लगता है. उसके बाद में वी मीट अगेन बाहर और देर वी डिस्कस के क्या हुआ अंदर एंड यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल एंड आई एम टेलिंग यू इट इज फैंटास्टिक द टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हैज कम आउट द वे पीपल अप्रिशिएट दिस एंड इट्स अ लर्निंग एक्सरसाइज फॉर एवरीबडी वन मस्ट पार्टिसिपेट. इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. ओके सो कभी भी आपको चांस मिले डिनर डार्क में जरूर जाइए, चाहे रोटरी का हो किसी और का हो, डजंट मैटर, लेकिन गो फॉर दिस डिनर एंड एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस इट. मैम ये कितनी बार अभी तक हमारा डिनर जो है डिनर इन द डार्क, ये अभी तक कितने इसके एडिशंस या कितनी बार ये हो चुका होगा? वी हैव कंडक्टेड 7 एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इज 4th जनवरी इज ब्रेल डे, जिसमें फिजिकली चैलेंज बच्चे पढ़ते हैं, दे कैन रीड. एंड देन वी हैव अक्टूबर इज विजुअली चैलेंज्ड डे वेयर दे ब्लाइंड फोल्ड नॉर्मल पीपल लाइक अस विद आईज एंड यू आर मेड टू वॉक. So that these two days are very, very important and that is why we hold. We've held about 7 till now. 8th was on the way. We had 50 people with us, but due to this COVID situation, we had to postpone it. इसमें जो blindfold बोल रहे हैं ना, ये हम लोग नहीं करते हैं. हमारा totally pitch dark room होता है. We don't blindfold people. You go into a dark room, मतलब बिल्कुल काला. अंदर जाके वो बिठा देते हैं आपको and then they serve you dinner. Tell you a thing. कि ड्रैग योर फीट एंड वी टेल यू हाउ टू वॉक. यू ड्रैग योर फीट, डोंट लिफ्ट योर फीट बिकॉज अब गिरने का डर होता है एंड द वन हैंड इज केप्ट ऑन द शोल्डर ऑफ द पर्सन हु इज अहेड ऑफ यू. तो हाउ डज वन, अभी तक लोगों के जिन लोगों ने अटेंड किया है डिनर इन द डार्क, उनके कैसे रिएक्शंस रहे? व्हाट हैव पीपल एक्चुअली एक्सप्रेस्ड आफ्टर दे वॉक्ड आउट ऑफ द रूम? आई मस्ट टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक लेडी थी तो शी केम विद हस्बैंड. तो पहले हम ब्रीफिंग करते हैं बाहर कैसा खाना है, क्या होगा अंदर. Then you are let inside the room. तो कमरे पर गई, दो मिनट में बाहर. कहती नहीं, मुझे डर लग रहा अंदर, आई कॉन्ट सी एनीथिंग. कहती मैं तो रात को सोती हूँ तो लाइट ऑन करके सोती हूँ, मैं नहीं जा सकती अंदर. तो हमने उसको पेप टॉक दिया, नो यू मस्ट. तो दोबारा चली गई अंदर, दो मिनट में फिर बाहर. तो अभी उसको फिर हम पेप टॉक दे रहे थे, मेरा हस्बैंड उसका बाहर आ गया. हस्बैंड बोला चल मेरे साथ, उसको ले गया अंदर. Unfortunately, she did not come back. तो जब ये एंड में हम करते हैं ना एक्सपीरियंसेस, तो उसको पूछा पहले, सबसे पहले उसको पूछा कि वापस आ रहा एक्सपीरियंस. जी सर, पहले मैं गई तो मेरे को अंधेरे से इतना डर लगता है तो मैं बिल्कुल डर गई. सेकेंड टाइम गई फिर डर गई. लेकिन फिर क्या, इन्होंने अंताक्षरी गानी शुरू कर दी तो उसमें थोड़ा मन लग गया. तो फिर उसमें फिर बस ऐसे टाइम निकला, फिर पता नहीं चला. एंड जी सर, आज मैं घर में जाके सोंगी लाइट ऑफ करके, जो इतने सालों से मैंने नहीं किए, वो करूँगी आज. एंड लेटर ऑन वी चेक विद हर, शी इज नॉट स्लीपिंग विद द लाइट्स ऑफ एंड शी इज गॉट रेड ऑफ हर स्केयर ऑफ द डार्क. यू नो जी, बड़े बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं. एंड बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल से वन बेसिक थिंग के दिस इज आई ओपनिंग एक्सपीरियंस. जी क्या हम जो लगे रहते ना, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल कार का है, ये कौन सा फ़ोन है मेरे पास, वो सब भूल जाते हो यार. आँखें हैं तो सब कुछ है, बुझो है सब कुछ. सो इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एस्पेशली फॉर यूथ. अनदर थिंग इज कि आप मोबाइल से कुछ कर नहीं सकते, तो पर फोर्स यू हैव टू टॉक टू योर पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू राइट और लेफ्ट. सो यू टेंड टू मेक न्यू फ्रेंड्स विदाउट नोइंग हु ही और शी इज. लाइक वन ऑफ रोटेरियन स्टार्टेड टॉकिंग टू द पर्सन ऑन हिज लेफ्ट एंड ही वॉज अ आर्किटेक्ट. सो दिस पर्सन सेज, ओ मैंने तो घर बनाना है, आप मुझे मदद कर देना. सो दिस इज हाउ द ओपनिंग्स आर डन. तो मतलब डिनर का डिनर और बिजनेस का बिजनेस हो गया. तो मैम विजुअली चैलेंज जो कम्युनिटी है, उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया या हाउ डू द कम्युनिटी फील कि ये डिनर कैसा हो रहा है, मतलब उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ जुड़ के इस प्रोग्राम में? यू सी, दे फील कि रिस्पेक्ट अस, डोंट सिंपथाइज विद अस एंड दैट इज व्हाट वी डिड. अनीश एंड वी, व्हेन वी वेंट टू टॉक टू देम, इट इज रिस्पेक्ट देम.
इट्स जस्ट दैट दे डोंट हैव वन आईज नहीं उनके पास, बाकी दे आर मच स्मार्टर देन अस, आई कैन टेल यू ऑल, एंड दे वेरी पॉजिटिव. आप कभी कोई नेगेटिव बात भी करो उसको पॉजिटिव साइड में वो लेके जाएंगे. सो दे डिड नॉट इवन वंस से कि हम बेटर्स थोड़ी हैं. दे एक्टेड कि इज अ प्रोजेक्ट, वी हैव टू गो फॉर इट, लेट पीपल नो अबाउट इट. सो दे वेरी पॉजिटिव पीपल. वेन वी अप्रोच दैम दे सब करेंगे. रादर आर प्रेजिडेंट अनिश आस्क दैम क्या लोगे आप पेमेंट, वॉट डू वी पे, दे सर आप क्या दे सकते हो, आप कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है. नो दैट सेंटेंस हाउ मेनी ऑफ अस कैन स्पीक, वी डोंट डू इट. सो फ्री ऑफ कॉस्ट दे डू इट. ऑफ कोर्स वी एंजॉय द डिनर आफ्टर दैट, वेन वी हैव डिनर विद दैम आफ्टर पीपल गो बैक होम, वी सिट विद दैम एंड हाउ दे जोक अराउंड एंड टेल हाउ दे एंजॉयड द शो, वॉट अ पर्टिकुलर पर्सन अप्रिशिएटेड देयर थिंग. सो इट्स गुड फन, गुड फन. जी तो डिनर इन द डार्क आई वुड से इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो कि साल में दो दफा रोटरी चंडीगढ़ शिवालय चंडीगढ़ में होस्ट करते हैं. इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये साल में दो बार इसके लिए एंट्रीज इनवाइट की जाती हैं. यू कैन बाय द पासेस द टिकट्स थ्रू रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक, विच दे पब्लिसाइज थ्रू देयर नेटवर्क ऑन देयर फेसबुक, उनके जो भी सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के थ्रू. आप एक बार डिनर इन द डार्क अटेंड करके देखें, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. टू मोटिवेट द फैक्टर इज दैट आफ्टरवर्ड्स दे डू पेमेंट एंड इट्स नॉट लाइक पेमेंट बड़ी खुशी खुशी करते हैं टिकट्स की, बट उसके बाद सुनने के बाद देयर वर टू थ्री पीपल हु सेड वी वांट टू गिव मोर मनी एंड दे गिव अस मनी आफ्टर दैट एंड सम पीपल हैव अटेंडेड सेकंड टाइम आल्सो. सम पीपल सेड कि नेक्स्ट टाइम जब होगा हमको बोलना जी, हमने जरूर अटेंड करना है. दैट इज हाउ मोटिवेटेड दे वर. जी मैं सर एक ये भी चीज़ पूछना चाह रहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स को, ब्लाइंड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, वो आजकल वो मतलब पढ़ के वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ हैं इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो एक्सेल कर गए हैं, और कहाँ कहाँ वेरियस इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ रहे हैं? सी बेसिकली आप एक चीज़ पक्का रखिए कि जो विजुअली चैलेंज लड़का पढ़ ले लड़की पढ़ लेते हैं वो दुनिया में तरक्की करते हैं, उसका डाउट ही कोई नहीं, राइट. सो ये हमने 4 साल पहले शुरू किया था. तो द फर्स्ट बैच इज पासिंग आउट नाउ, फर्स्ट ईयर कॉलेज, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जी, एंड दे पासिंग आउट नाउ, बट देयर इज अ पीएचडी आल्सो इन दिस. अरे वाह. एक पीएचडी कर रहा है एंड एक इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कर रहा है. सो द पॉइंट इज यू कैन रेस्ट अश्योर के जो मनी उनको देते हैं दैट इज यूज वेरी वेल. जी यू सी द वन सीईओ ऑफ अ कंपनी एट कम, he was so inspired by these people that he rang up Anish next day to say maine employment deni hai inko, so please send us some visually challenged people. aur jab Anish ne diya ek lady bheji to he rang up again after a week, he said I need some more because the logon ka jo baki employees thi unka attitude change ho gaya, they become so positive, they are working with fun, they are smiling around. So this is the motivation which the visually challenged people can give. Absolutely. तो मैं तो यही कहूँगा कि डिनर इन द डार्क एक बार तो एक्सपीरियंस करना सभी दर्शकों को बनता है. तो whenever जब भी नेक्स्ट डिनर इन द डार्क की एंट्रीज ओपन हो तो आप में से जो भी लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, और उसकी डिटेल्स हमारे चैनल पे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएंगी. सो ये पॉडकास्ट यहीं तक, और हम मिलते हैं आप सबके साथ अगले एपिसोड में विद रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक.